दोस्तों, अगर देखा जाए तो इतिहास के पन्नों में मिस्र देश पुरानी चीजों का एक बहुत बड़ा खजाना है। अगर हम किसी से कोई सवाल करते हैं कि आपको 5000 साल पुरानी चीजें कहां मिली, तो जवाब मिलता है मिस्र देश। यहां ना सिर्फ आपको पुरानी चीजें मिलेंगी, बल्कि यहां पर कुछ ऐसी भी चीजें हुई हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आपको बता दें कि यहां पर शारीरिक संबंध को लेकर एक अलग ही तरह की मान्यता थी जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। तो दोस्तों, आज हम मिस्र देश के बारे में कुछ रोचक बातें जानेंगे जिसे जानने के बाद आपको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं मिस्र देश के बारे में कुछ अनसुने रोचक और मजेदार तथ्य। नंबर वन, मिस्र देश के लोग बालों से बेइंतहा नफरत करते थे। बालों के प्रति उनकी नफरत इतनी ज्यादा थी कि जितनी दो दुश्मन भी आपस में नहीं करते होंगे। उनके मुताबिक शरीर पर बाल होना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसीलिए वो लोग शरीर से हर तरह के बालों को साफ कर देते थे। मिस्र के लोगों की फोटोज में सिर पर जो बाल नजर आते हैं वो असली नहीं बल्कि विग है। ये लोग विग को टोपी की तरह पहनते थे, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि सूर्य की सीधी धूप इनके सर पर ना पड़े। नंबर टू, सृष्टि यानी कि पूरी दुनिया के पैदा होने के बारे में प्राचीन मिस्र में बहुत ही अजीब मान्यता है। उनके मुताबिक ऑटम नाम के भगवान ने हस्त मैथुन किया जिससे दो जुड़वा देवता का जन्म हुआ। इस तरह से दुनिया विकसित हुई। प्राचीन मिस्र के समाज में हस्त मैथुन को सृष्टि के सृजन के लिए काफी अहम माना जाता था। इसी वजह से कुछ खास मौकों पर मिस्र के शासक फराओ नील नदी में हस्त मैथुन किया करते थे। ऐसी मान्यता थी कि इससे नील नदी में पानी का प्रवाह बना रहेगा। नंबर थ्री, सेक्सुअल रिलेशंस विद एनिमल्स नाम की किताब में प्राचीन मिस्र में जानवरों के साथ संबंध बनाने की गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया है। वैसे तो जानवरों के साथ संबंध बनाना गैर कानूनी था, लेकिन कुछ लोग ऐसा करते थे। कुछ लोग मगरमच्छ से भी संबंध बनाते थे। जानवरों से संबंध बनाने को लेकर क्लियोपाट्रा की कहानी काफी प्रसिद्ध थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके पास मधुमक्खियों से भरा एक संदूक होता था। वो यौन संतुष्टि के लिए जननांगों पर वाइब्रेटर की तरह मधुमक्खियों का इस्तेमाल करती थी। नंबर फोर, प्राचीन मिस्र में कुछ लोग ऐसे थे जो शवों के साथ संबंध बनाते थे। ऐसे लोगों से बचने के लिए लोग अपने मुर्दों को घर के बाहर ही 3-4 दिनों तक छोड़ देते थे ताकि शव सड़ गल जाए और ऐसे लोग उनके साथ गलत काम ना कर सकें। नंबर फाइव, बेबीलोन की सभ्यता की तरह ही प्राचीन मिस्र में देह व्यापार को पवित्र माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि ये भगवान के लिए किया जाने वाला सम्मानजनक काम है। वैश्याओं को प्राचीन मिस्र के समाज में काफी ऊंचा दर्जा मिलता था। नंबर सिक्स, प्राचीन मिस्र में भेड़ की आंत से बने कॉन्डोम का इस्तेमाल किया जाता था। वो बबूल के गोंद का इस्तेमाल भी गर्भ निरोधक के तौर पर करते थे। कुछ महिलाएं जानवरों के मल का इस्तेमाल भी करती थीं। वो जननांग पर मल का लेप करती थीं ताकि स्पर्म अंदर ना जा सके। नंबर सेवन, हमारी भारतीय संस्कृति में सजना धजना सिर्फ महिलाओं के लिए ही है। भारतीय संस्कृति में श्रृंगार पर महिलाओं का ही अधिकार है। अगर आप इतिहास के पन्नों को जरा बारीकी से पलटेंगे तो पाएंगे कि प्राचीन मिस्र में श्रृंगार पुरुष और महिलाएं दोनों के लिए था। एक खास तरह के श्रृंगार के तहत तांबे के धातु से बना पानी अपनी आंखों के ऊपरी हिस्से में चढ़ाया जाता था। उनका मानना था कि ये श्रृंगार उन्हें सूरज की तेज किरणों से बचाता है। मिस्र के लोगों का ये भी मानना था कि श्रृंगार करने से उनके शरीर में जादुई शक्तियां आती हैं। नंबर एट, आपकी रसोई में दूध रखा हो और एकाएक जोर से बर्तन गिरने की आवाज होती है तो आप देखते हैं कि पड़ोस की बिल्ली ने दूध से भरा बर्तन गिरा दिया है और मजे की बात है कि दूध पी रही है, तो आप ताव में आकर बिल्ली को दूर तक खदेड़ देते होंगे, है ना। वहीं दूसरी ओर प्राचीन मिस्र के इतिहास में ऐसा नहीं होता था। बिल्ली को सबसे अधिक पवित्र जानवर माना जाता था। जहां आज के समय में बिल्ली को कई लोग बुरी किस्मत का प्रतीक मानते हैं, वहीं इजिप्ट में बिल्लियों को अच्छी किस्मत का प्रतीक माना जाता था। प्राचीन मिस्र की धारणाओं के हिसाब से बिल्ली पालने से किस्मत अच्छी हो जाती थी, रुके हुए काम हो जाते थे, घर परिवार में सब खुश रहते थे। इसीलिए ही उस समय हर कोई अपने घरों में बिल्ली जरूर पालता था। नंबर नाइन, आजकल दुनिया में महिलाओं को बराबरी के अधिकार देने के लिए बहस छिड़ी रहती है। समय समय पर बात उठती रहती है कि महिलाओं को भी समान अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन प्राचीन मिस्र में ऐसा कुछ नहीं था। वहां महिलाओं को पुरुष के बराबर के अधिकार दिए जाते थे। जानकर हैरानी होगी कि कई सौ साल पहले भी मिस्र में महिलाएं अपनी मर्जी से अपनी जमीन बेच सकती थी और नई जमीन खरीद भी सकती थी। इतना ही नहीं, कहते हैं कि अगर महिलाएं पुरुष के बराबर काम करती थीं, तो उन्हें वेतन भी उनके बराबर ही मिला करता था। कोई भी उन दोनों के बीच में भेदभाव नहीं कर सकता था। नंबर टेन,
मिस्र के लोग अपनी मातृभूमि के बाहर मरने से डरते थे। उनका मानना था कि उनका पुनर्जन्म हो सकता है और ये कि उनकी आत्मा सुरक्षित रूप से केवल तब तक ही जीवित रहेगी जब तक वो नील नदी की पवित्र घाटी में दफन हो जाएंगे। वहीं दरियाई घोड़ा को बुरा शगुन माना जाता था और उन्हें बुराई के भगवान सेठ के साथ जोड़ा जाता था। वो मगरमच्छों की तुलना में अधिक खतरनाक थे और वो अक्सर नील नदी की यात्रा करने वाली नौकाओं और नाव को उलट देते थे। तो दोस्तों, ये थे मिस्र के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स। इन फैक्ट्स को जानकर आपका क्या कहना है, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।